नारायण नारायण। श्री कृष्ण आपके मुख पर ये अकस्मात दूध कहां से आ गया? आपने तो दूध भी नहीं पिया। अद्भुत, वाह वाह श्री राधा वाह, उत्तम अति उत्तम। अरे सेवको शीघ्र आओ, देखो देखो कहाँ जा रहे हो। अरे शीघ्र आओ, देखो श्री राधा का स्वांग जो तुम सबने आज से पहले कभी भी नहीं देखा होगा। क्या स्वांग रचा है इन्होंने, वाह अद्भुत। क्या कहा था आपने हम सबसे, क्या आपने प्रातः से कुछ भी नहीं खाया है? और जब तक पिताश्री नहीं खा लेते तब तक आप भी भोजन नहीं करेंगे। आपने असत्य कहा हमसे, और वो भी उपवास का स्वांग किया आपने, आपको क्या आवश्यकता क्या थी? श्याम, मैंने ये दूध कृष्ण की भूख मिटाने के लिए पिया है, और हमारा संबंध ही ऐसा है, यहाँ मैं ये दूध पीऊंगी तो वहाँ कृष्ण को तृप्ति मिल जाएगी। वाह, एक और नया स्वांग, दूध पिए यहाँ राधा और वहाँ पेट भरे कृष्ण का। वाह वाह श्री राधा वाह। अरे आप क्यों स्वीकार नहीं कर लेती कि आपने असत्य कहा? मेरे लिए महत्वपूर्ण ये नहीं कि तुम मुझे झूठा कह रहे हो, मेरे लिए महत्वपूर्ण कृष्ण है। मैं जानती हूँ कि कृष्ण के लिए भूख असहनीय है, इसलिए मैं ये दूध तब तक पीऊंगी तब तक कृष्ण को तृप्ति नहीं मिल जाती। ठीक है, तो हम भी तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक मैं सिद्ध न कर दूं कि आप दोषी हैं, आपने हम सबके साथ स्वांग किया है। उबाला हुआ है, हाथ में शीतल हो जाएगा, जाते ही सबसे पूर्व कृष्ण को ये दूध पिला देना। संध्या होने को है। हाँ, और अब तक हमने उपवास भी नहीं खोला। मुझे लगता है कि हमें महल लौटना चाहिए। यदि आप सबको महल लौटना है तो आप सब जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, किंतु मैं अभी के लिए यहीं रहना चाहता हूँ। यदि आप नहीं जाएंगे श्री कृष्ण तो हम भी नहीं जाएंगे। जाना तो आप सबको मेरे बिना ही होगा। परंतु ये हट क्यों? क्योंकि मैं यहाँ से चलकर जा ही नहीं सकता। क्यों श्रीकृष्ण, आप चलकर क्यों नहीं जाना चाहते?
क्योंकि मेरे पांव में छाले पड़ चुके हैं। नारायण नारायण, आपके चरणों में यहाँ बैठे बैठे तो छाले पड़ गए प्रभु, ये कैसे संभव है? नारद मुनि, आपने कहा ना, आप प्रेम को भली भांति नहीं समझ सकते, बस इसी कारण से आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि ऐसे बैठे बैठे अचानक मेरे पाँव में छाले कैसे पड़ सकते हैं। किंतु प्रभु, प्रेम का पग के छालों से क्या संबंध है? लाइए लाइए, यहाँ लाइए, वहां वहां रख दीजिए, जाइए। क्षमा कर दीजिए, आने में थोड़ा विलंब हो गया, किंतु इस विलंब का कारण मैं नहीं अपितु श्री राधा है। तो क्या देवी राधा ने भोजन पकाने में विलंब किया है? नहीं नहीं मुनिका, ये विलंब भोजन के कारण नहीं हुआ है, अपितु ये विलंब श्री राधा के स्वांग रचने के कारण हुआ। उन्होंने महल में सबसे ये असत्य कहा है कि उन्होंने भी आप सबकी भांति आज उपवास रखा हुआ है, किंतु जब मैंने छुपकर उन्हें दूध पीते हुए देख लिया तब वो सबको कहने लगी कि वो दूध पी रही थी ताकि यहां पिताश्री की भूख शांत हो सके, इसलिए वो दूध पी रही थी। अब आप ही बताइए मुनिवर, ये कैसे संभव? और तो और, श्री राधा ने दूध पीते पीते त्रुटिवर तुरंत ही उबाला हुआ दूध पी लिया, जिसके कारण उनके मुख में छाले पड़े। अच्छा, तो अब मुझे समझ में आ गया, प्रेम और पग के छाले का संबंध। महादेवी राधा दूध पी रही थी और यहाँ मैंने श्री कृष्ण के मुख पर अकस्मात दूध देख लिया, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वयं श्री कृष्ण दूध पी रहे हैं। देवी राधा ने वह उबलता हुआ अत्यधिक गर्म दूध पिया तो यहाँ छाले मेरे श्री कृष्ण के पग में थे। नारायण नारायण। अरे अरे नारद मुनि, आप तो महान मुनि, आप भी कहां श्री राधा को इतनी महान तपस्विनी मान बैठे? मैं यहाँ एक क्षण नहीं रुक सकता, मैं इसी क्षण महल जा रहा हूं। जैसे आपकी इच्छा श्री कृष्ण। हाँ हाँ, चलिए श्री कृष्ण। देवी राधा के मुख में गरम दूध के कारण छाले पड़ गए हैं, मधु लगाने से अवश्य ही शांति मिलेगी। किंतु वैद्य जी, ये छाले ठीक कब तक होंगे? ये छाले ठीक होने में 2 दिवस लगेंगे, तब तक देवी राधा अधिक बात नहीं कर पाएंगी। ये लो राधा, ये मधु है, इसके सेवन से तुम्हारे ये छाले शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। ताऊ, जब तक कृष्ण नहीं आ जाता, उसे भोजन खाते देख नहीं लेती, मैं कुछ ग्रहण नहीं करूंगी, ना ही औषधि लगाऊंगी। ये क्या राधा, ये तुम और कान्हा दोनों एक जैसे ही हो, बिल्कुल हटे। मैं ये मधु यहाँ रख रहा हूँ। प्रणाम, द्वारकाधीश महल में आ चुके हैं, उनके पैरों में छाले हो गए हैं और वो अपने कक्ष में गए हैं।
पता नहीं कैसे अकस्मात हो गया रहता। पीड़ा और होगी ना। हाँ। मेरी कार कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है तुम्हें। नहीं राधा, ये सब तो मेरे कारण हुआ है। भोजन नहीं किया? रुष तो मुझे तुमसे होना चाहिए। तुमने इतना गर्म दूध पी लिया, उचित नहीं था राधा। अच्छा, आप मुझसे बात भी नहीं करोगे? अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम्हारे मुख में छाले पड़े हैं, तुम तो बात कर ही नहीं सकती। और देख रहा हूँ कि तुमने औषधि भी नहीं ली है, क्या बात। अरे वाह, राधे मधु तो अत्यंत स्वादिष्ट है। तनिक तुम भी ये स्वादिष्ट मधु चखो ना। तुम क्या बालकों की भांति हट कर रही हो राधा, मधु तो चख लो। नहीं। ठीक, मुझे भी इस लेप की आवश्यकता नहीं। ये लेप भी मैं निकाल दूंगा, हटा दूंगा, पांव धो लेता हूं जाके, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं। नहीं नहीं कृष्ण, लेप मत हटाना, उससे शीघ्र ठीक हो जाएंगे। लाओ मुझे दो।